ऐसे पांच स्किल्स जो हर एक लैपटॉप बिगिनर को पता रहना है। अगर आप एक लैपटॉप बिगिनर हो तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देख लेना, डेफिनेटली आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। आपके साथ में मैं ऐसे पांच पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ और ये आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये सीख सकते हैं, कोई भी इसको आराम से जो है सीख सकते हैं। किस तरह से सीखना है वो भी मैं आपके साथ में एट द एंड में शेयर करूँगा। और देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो प्लीज़ गिव मी अ लव सिंबल, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ओके। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मेरा नाम सैफ है और मैं यहाँ पर बिगिनर्स लोगों के लिए जो लैपटॉप पर बिगिनर्स होते हैं उनको मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आप लैपटॉप पर बिगिनर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए जानते हैं जो पाँच पॉइंट्स जो बिगिनर्स को जानना ही, ओके। जो नंबर वन है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के बारे में अगर आप जान गए ना तो आप लैपटॉप को बहुत आसान तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर, आपने दिस पीसी सुना होगा विंडोज़ के ऊपर, दिस पीसी माई कंप्यूटर जिसको बोला जाता है, विंडोज 7 में आपको माई कंप्यूटर के नाम से मिलेगा, उसको ही फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है। उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 50% काम जो है आपका लैपटॉप के ऊपर उसके अंदर ही हो जाता है, ओके। जैसे एग्जांपल मान लो ये फाइल एक्सप्लोरर क्या है, जैसे मान लो ये एक लैपटॉप जो है ये एक रूम है, ओके। रूम के अंदर जो ब्यूरो होता है ना, जो गोदरेज हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो ड्रेस है वो हम रखते हैं, ड्रेस हो, पैसे हो, राइट, और अलग अलग स्पेस रहता है अलग अलग चीज़ें रखने के लिए गोदरेज के अंदर। उसी तरह से ये भी एक कंप्यूटर के अंदर गोदरेज है जिसके अंदर अलग अलग स्पेस अवेलेबल है। वीडियोस रखने के लिए अलग स्पेस है, इमेज रखने के लिए अलग स्पेस है, सॉन्ग रखने के लिए अलग स्पेस है, राइट। अगर आप खुद के अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहते हो, खुद के अलग अलग आप फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हो, वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेन काम होता है। और जैसे मान लो आप ऑनलाइन में कुछ अपलोड कर रहे हो, जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यही ओपन हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर जो माई कंप्यूटर है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको अपलोड करना है। मतलब मिनिमम 50% काम जो है आपका फाइल एक्सप्लोरर के अंदर होता है। तो आपको इसमें जो है मास्टरी करना है, इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज लेना है, कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है। मैंने इसके ऊपर बेसिक लैपटॉप कोर्स फॉर बिगिनर्स पार्ट टू में समथिंग मैंने इसके बारे में डीपली आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ओके। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, टू में या थ्री में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, अभी एक साल पहले मैंने अपलोड किया था उस वीडियो को। और सेकेंड थिंग जो है आपको अंडरस्टैंडिंग रहना है इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में। देखिए इंटरनेट ब्राउजिंग एक कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं है। इंटरनेट ब्राउजिंग सुनने के लिए थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग जो है आराम से सीख सकता है। अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल है तो भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हो। आपने कभी ना कभी गूगल में तो सर्च किया होगा, मतलब नियर बाय होटल्स या नियर बाय रेस्टोरेंट या नियर बाय पार्क, इस तरह से जो भी आपने गूगल में सर्च करते हो ना वो भी एक ब्राउजिंग ही है, ओके। जो भी आप गूगल में सर्च करते हो वो भी एक ब्राउजिंग है। लेकिन इंटरनेट ब्राउज करने के लिए भी आपको एक स्किल्स चाहिए, मतलब एग्जैक्टली जो भी आपको सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो उस कीवर्ड आपको ढूंढने के लिए आना चाहिए, मतलब वो कीवर्ड आपको सर्च करने के लिए आना चाहिए। ये सब किस तरह से आता है, ये पूरा आता है एक्सपीरियंस से, सर्च करने से, वर्क करने से आपकी नॉलेज जो है ब्राउजिंग में बढ़ जाती है, ओके। तो आपको इंटरनेट ब्राउजिंग के बारे में सीखना है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, एक जो है फाइल एक्सप्लोरर, सेकेंड जो है इंटरनेट ब्राउजिंग। अभी मैं थर्ड बात करता हूँ वो है पेड सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर। पेड सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं लैपटॉप के सब सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं, देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये हमारा माइंड में बैठ गया है मोबाइल की वजह से, क्योंकि हमको मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप फ्री में मिलता है, इंस्टाग्राम फ्री में मिलता है, फेसबुक फ्री में मिलता है, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमको पूरे फ्री में मिलते हैं, राइट। वैसे ही आप सोचते हो कि लैपटॉप में भी आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, वैसा नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑटोकैड हो, कोरल ड्रॉ हो या एमएस ऑफिस हो, ये सब जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है इनको आपको पैसे पे करके लेना पड़ता है। थोड़े सॉफ्टवेयर है एक बार बाय करने के बाद वो आपके साथ में लाइफ टाइम तक रहेंगे, थोड़े सॉफ्टवेयर है आपको मंथली पे करना पड़ता है। मंथली पेमेंट जैसे हम रिचार्ज करते हैं, आपको याद होगा सिम में हम रिचार्ज करते हैं 199 200, इस तरह से उनके पेमेंट्स रहते हैं, आपको मंथली पे करना पड़ता है। थोड़े सॉफ्टवेयर है एक बार पे किए तो काफ़ी है, आपको लाइफ टाइम तक रहेगा आपके साथ में। तो कंप्यूटर में सब सॉफ्टवेयर आपको फ्री में नहीं मिलते हैं, आपको बाय करना पड़ता है, जो भी आपके काम की सॉफ्टवेयर है वो आपको बाय करना पड़ता है। और बहुत से ऐसे भी हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल क्रोम की बात करो वो फ्री सॉफ्टवेयर है, प्रूफूस सॉफ्टवेयर की बात करो वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ओके, मोजिला फायरफॉक्स फ्री सॉफ्टवेयर है, ऑडेसिटी फ्री सॉफ्टवेयर है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, और सब सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, आपको वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो आपके काम का है,
जैसे मान लो आपको एमएस ऑफिस के ऊपर वर्क है, आपको सिर्फ एमएस ऑफिस ही इंस्टॉल करवाना है, फिर दूसरा फालतू के सॉफ्टवेयर आपको आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं करना है, ओके, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है पेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कहाँ पर पेड सॉफ्टवेयर मिलते हैं और कहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं। सो इनके भी अगर आपको नॉलेज मिल गई ना, तो डेफिनेटली आप एक लैपटॉप को आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था पेड विज फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूँ, वो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। देखिए, मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। प्ले स्टोर में जाते हो, व्हाट्सअप अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप सर्च करते हो, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हो, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाता है, आपको सिर्फ ओपन करना है और वर्क करना है, राइट। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड, और टफ भी नहीं है। फर्स्ट मैं क्लियर करता हूँ, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना टफ भी नहीं है। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आपको एक बार भी दिखाऊंगा ना, तो आपका अंडरस्टैंड हो जाएगा, ओके, टफ नहीं है। देखिए, आपको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर वो जिप फाइल में है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसमें आपको सेटअप फाइल को ढूंढना पड़ता है जिसके सामने एप्लीकेशन लिखा हुआ रहता है। उसको रन करने के बाद आपको मतलब कहाँ पर इसको स्टोर करना है, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, आपको लोकेशन चूज करना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है वो एग्री करना है, नेक्स्ट और इंस्टॉल। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये सब करने के लिए आपको कॉम्प्लिकेट लगता है। मोबाइल में क्या आता है, सिर्फ इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो तो इंस्टॉल हो जाता है। लैपटॉप में क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, सेटअप फाइल ढूंढना है, नेक्स्ट क्लिक करते जाना है, ये आपको कॉम्प्लिकेट लगता है। जो इस स्किल को सीखता है ना, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना जो सीखता है, ये बहुत पैसे बचाता है। कैसे, जैसे मान लो आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है, आप जाते हो कोई भी सर्विस सेंटर पर, वो फोटोशॉप के तो पैसे लेता है, एक्स्ट्रा वो इंस्टॉलेशन करने के भी चार्ज लेता है। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए आपको 300, 200, 400 रुपये चार्ज करते हैं। अगर किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स की एक्सपीरियंस रेट, ओके। तो एक कुछ बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कोई भी कर सकता है, और आपको सिर्फ समझना है कि फ्री सॉफ्टवेयर किस तरह से रहते हैं और पेड सॉफ्टवेयर किस तरह से रहते हैं। ये था फोर्थ नंबर। अगर मैं लास्ट नंबर की बात करूँ, वो है टाइपिंग। टाइपिंग सीखना भी कुछ बड़ी बात नहीं है, और आपको वो टाइपिंग नहीं सीखना है जो बहुत से लोगों के माइंड में ये बैठा हुआ है कि जो 100 की स्पीड पर टाइपिंग करते हैं या 120 की स्पीड पर टाइप करते हैं उसी को ही टाइपिंग कहा जाता है। नहीं मेरे फ्रेंड, मैं भी विदाउट वॉचिंग अ कीबोर्ड आई कैन टाइप, क्या मेरी वो टाइपिंग नहीं है? टाइपिंग ही है, राइट। मतलब मेरा काम आसान करने के लिए जितना मुझे चाहिए उतना मैंने सीखा है। उसी तरह से आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए टाइपिंग नहीं सीखना है, आपका काम आपको आसान करने के लिए आपको टाइपिंग सीखना है। और मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, कहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। देखिए, टाइपिंग मतलब एक दो दिन का खेल नहीं है, ऑब्वियसली आपको मिनिमम 1 month या 20 days तो चाहिए आप एक नॉर्मल टाइपिंग करने के लिए। अगर आप एक वॉरियर हो, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हो, अभी तो बहुत से लोग लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, अगर आप सीखना चाहते हो टाइपिंग, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ किस तरह से आपको टाइपिंग सीखना है, ओके। और मतलब एक छोटा सा गोल समझ लो आपको, मतलब 20 days के अंदर आपको इसको अचीव करना है। किस तरह से आप अचीव करेंगे, मैं मेरा सीक्रेट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, कितने लोग जानने के लिए रेडी है, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ईगर टू नो, प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स। देखिए, जब भी मैं कोई भी नई स्किल्स, कोई भी नया कोर्स मैं लेता हूँ ना, तो फर्स्ट मैं मेरे माइंड को ट्रेन करता हूँ। हाउ? देखिए मेरे फ्रेंड, आपका जो माइंड है ना, वो विंडोज XP है, मतलब डेली रूटीन वही चल रहा है आपका। अगर आपको कुछ हटके सीखना है, कुछ अगर आप दूसरा सीखना चाहते हो, तो आपका जो माइंड है उसको विंडोज़ XP से आपको विंडोज़ 10 करना पड़ता है। आप कैसे करेंगे, ये आपको कार्ड दिख रहा होगा, इसके बैक साइड में लिखा हुआ है पर्सनल गोल कार्ड। ये मेरा गोल कार्ड है जो मुझे 3 months में अचीव करना है, 2 months में अचीव करना है, 1 month में अचीव करना है, वो मैं इस तरह से गोल कार्ड पर लिखता हूँ। लिखने के बाद जहाँ पर मैं काम करने के लिए बैठता हूँ उसके सामने मैं यहाँ पर रखता हूँ, ताकि मैं जब भी यहाँ पर काम करने के लिए बैठूँ तो मैं इस गोल कार्ड को देख सकूँ। ये मुझे बार बार रिमाइंड करता रहता है कि तुमको ये सीखना है, ये सीखना है। अगर आप अभी मोटिवेट होकर शायद टाइपिंग क्लास स्टार्ट भी कर देंगे, 2-3 दिन करेंगे भी, उसके बाद जो आप भूल जाएंगे अगर आपके पास ये गोल कार्ड जो है सामने नहीं है, आपका गोल जो है क्लियर नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो 20 days में, 30 days में, प्लीज़ इस तरह से आपको गोल कार्ड बनाना है। अभी फिलहाल पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, बहुत से लोग बाहर नहीं जा सकते, नो वरी, आपको इस तरह से डायरी के ऊपर, डायरी नहीं तो आपके घर में बुक तो रहेगा, राइट, ऑब्वियसली। तो इसके सामने यहाँ पर जो है आपको लिखना है,
जो यहाँ पर जो है फर्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपका गोल है, मतलब आपको 20 डेज में या 30 डेज में आपको टाइपिंग सीखना है वो आपको लिखना है। लिखने के बाद सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है, ओके। अगर आपने इस तरह से गोल कार्ड बनाया है उसको सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है, जब भी आपको टाइम मिलता है प्लीज रीड दिस, जो भी आपने लिखा है वो आपको रीड करना है। रीड किया तो आपका जो ब्रेन का फंक्शन जो होता है ना वो रिवर्क करने लग जाता है। ये एक्चुअली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है और मुझे ये मेरे मेंटोर ने शेयर किया था कि किस तरह से कोई भी स्किल को सीखा जाता है। और मैं इस तरह से मैं कार्ड्स बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ही कार्ड नहीं है, एक कार्ड है एक मेरे डायरी में रहता है, ओके, और मेरे वॉलेट में भी एक कार्ड है। सेम गोल है लेकिन अलग अलग जगह पर है, जहाँ पर भी जाता हूँ तो मुझे ये रिमाइंड करते रहते हैं। इवन मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, मैं जहाँ पर मेरा मिरर है ना, जिस रूम में मेरे अभी साइड में मिरर है, यहाँ पर मैं फ्रेश होके आते ही मॉर्निंग में सामने मैंने एक पेपर लगाया है जहाँ पर मुझे 4 टास्क जो है मुझे एवरी डे करने के रहते हैं। तो जो नंबर 1 जो है वो है मुझे गोल कार्ड पढ़ना रहता है, मैं गोल कार्ड रीड करता हूँ। और सेकेंड थिंग जो है, जो भी मुझे माइंड में मेरे गोल आते हैं, देखो गोल्स वो नहीं है जो 3 साल 5 साल करते हैं, वो बहुत बड़े गोल की मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टाइम गोल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्लान किया है कि आपको मॉर्निंग उठने के बाद आपको जिम में जाना है और नेक्स्ट आप जाके आते हो जिम में, तो वो भी एक आपका शॉर्ट गोल हो गया, राइट। उसी तरह से आपके जो भी छोटे छोटे गोल्स हैं उनको आपको अचीव करना है, और ये बहुत ही इफेक्ट करता है। इवन मैंने खुद मेरे ऊपर ट्राई किया है, ओके। मतलब नंबर 1 जो है मैं गोल कार्ड को रीड करता हूँ, सेकंड जो है मैं गोल्स को लिखता हूँ, जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं उसको मैं मेरे डायरी के ऊपर लिखता हूँ, और 3rd जो है मैं करता हूँ अफर्मेशन। अफर्मेशन करना कुछ गलत बात नहीं है, अफर्मेशन आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो और आपको रिलैक्स फील होता है, ओके। तो आपको अफर्मेशन करना है, और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो। इवन मैं मेरे घर में जो भी मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर भी फिजिकल एक्टिविटी करते रहता हूँ। शाम का जो टाइम होता है उस टाइम में मैं या तो शटल खेलता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जा सकता, तो मैं शटल खेलता हूँ, नहीं तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। अगर आप इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका माइंड जो है अच्छे से वर्क करने लग जाता है। एक्चुअली ये था मेरा 3rd पॉइंट जो मैं मुझे एवरीडे करना है। और 4th नंबर जो है ये है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, एक बुक है जिसको मैं एवरी डे सुनता हूँ, एक ही बुक को बार बार सुनता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस बुक को 2 बार सुन लेना, जिसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। अगर आप पहले एक बार सुन दो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब डेफिनेटली इतनी डीपली इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मतलब जस्ट लिसन यार, आप जाके सुन लेना मेरी बातों पर। ये वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, सुनने के बाद कमेंट में आके मुझे बता देना कि ये बुक आपको किस तरह से लगा, ओके। इस बुक को मैं एवरी डे सुनता हूँ, जो मुझे आगे वर्क करने में हेल्प करती है, आगे जो मेरा गोल है वो मुझे क्लियर हो जाता है इस बुक को सुनने के बाद। इस बुक को मैं एवरी डे सुनता हूँ, जब मैं सोता हूँ आई पुट अ ईयरफोन प्ले करके मैं सो जाता हूँ सुनते। सो इस तरह से एक्चुअली मैं सीखता हूँ, मुझे जो भी नए स्किल्स सीखना है, जो भी मुझे गोल अचीव करना है, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस टाइपिंग को, जो भी मैंने आपके साथ में 5 स्किल्स शेयर किए हैं, इनको आप एज ए गोल ले सकते हो कि आपके एक गोल्स हैं, इन 5 स्किल्स पर आप मास्टरी करेंगे, इसके बारे में आप डीपली जानेंगे, तो आपको जो है इसके इस तरह से कार्ड बनाना है, या आपको बुक के ऊपर लिखना है कि आप 30 डेज के अंदर आप कहाँ से कहाँ देखना चाहते हो, ओके। ऊपर लिखने के बाद यू हैव टू रीड इट एवरी डे। ये मैं पर्सनली करता हूँ, मैं फ्रेंड, ओके, पर्सनली करता हूँ, ये वर्क करता है। तो ये था पूरा एक्चुअली 5 पॉइंट जो बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी हेल्प मिली तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपका जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, और किसी को हेल्प होता है तो मिनिमम 1% को ज़रूर शेयर कर देना, चाहे आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप में बहुत से लोगों को ये हेल्प हो सकता है, राइट। जो भी बिगिनर्स हैं उनको जरूर से शेयर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।